हुसैन आइबिन खालू, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आज तक इंडिया टुडे, फाउंडर एडिटर कारगिल टुडे लद्दाख मोस्ट सब्सक्राइबेड चैनल, मोहम्मद अली वजीरी, वाइस प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कारगिल लद्दाख, फाउंडर ग्रेटर लद्दाख न्यूज चैनल, नूरुल इस्लाम, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, रिपोर्टर नेटवर्क एट इन न्यूज लद्दाख, इब्राहिम फिरदौस, कैशर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, करस्पॉन्डेंट डेली रंगयुल न्यूज़पेपर, मोहम्मद इसाक, स्पोकमैन प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, सीनियर रिपोर्टर गुलिस्तान न्यूज, सईद हाशिम रिजवी, एडवाइजर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, एग्जीक्यूटिव एडिटर वॉइस ऑफ कारगिल लद्दाख, गुलाम नबी जिया, एडवाइजर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, रिपोर्टर नेटवर्क एट इन लद्दाख, चीफ एडिटर राइजिंग लद्दाख, जीएम नूरी, एडवाइजर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, ब्यूरो हेड गुलिस्तान न्यूज, जेके 24x7 न्यूज लद्दाख, मंसूर अहमद, मेंबर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, कॉरेस्पॉन्डेंट डीडी न्यूज, नासिर हुसैन सैदी, मेंबर ऑफ प्रेस क्लब कारगिल लद्दाख, ब्यूरो चीफ लद्दाख इमेज न्यूज़पेपर, एडिटर इन चीफ एसटीवी लद्दाख, बशारत हुसैन लद्दाखी, मेंबर प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख, रिपोर्टर डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर, करस्पॉन्डेंट एपीबी न्यूज, फिरोज खान, चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, ब्यूरो चीफ कैसर टीवी लद्दाख, एडिटर इन चीफ लद्दाख नाउ, रिपोर्टर जी न्यूज लद्दाख, अनवर हुसैन सरपा, एडिटर वॉइस ऑफ लद्दाख, मेंबर प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख, मुजीबुल रहमान जिया, मेंबर प्रेस क्लब ऑफ कारगिल लद्दाख, प्रिंट ऑनर एंड पब्लिशर राइजिंग लद्दाख, ऑब्जर्व किया गया था जुजला रेजिडेंसी में, और आज हम यहाँ पे इस फेस्ट डे को मनाने के लिए आज हम सब यहाँ पे जमा हो रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद हैं उनको वेलकम करने के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जीएम नूरी साहब को कि खतक पहना के आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब सीसी साहब का वेलकम करें। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेस क्लब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना ज़रूरी समझता हूँ सर। जनाब आप दोनों की मालूमात के लिए बताता चलूँ, यूं तो बहुत ही लंबे पीरियड से डिफरेंट फील्ड में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो कारगिल ज़िले में काम करते हुए आ रहे हैं। यूँ 2019 में हमने ज़रूरी समझा कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल में काम कर रहे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी कि प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख की शेप में एस्टैब्लिश हो, इसी ज़रूरत को समझते हुए हमने साबिका तदिन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल की चेयरमैन हाजी इनायत अली साहब के हाथों इफ्तिताह किया सर। प्रेस क्लब बनने के बाद डेडिकेटेड दुवर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वर्किंग जर्नलिस्ट लद्दाख के लिए एक्रेडिटेशन और प्रिंट मीडिया एजेंसीज को इम्पैनल किया गया सर। इसके बाद हमें यूटी लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो हमें बहुत बड़े इवेंट्स को कवर करने का मौका मिला। उन इवेंट्स में खासकर पार्लियामेंट की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम्स यानी लद्दाख विंटर कंक्लेव, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, G20 इवेंट हो या फिर प्रेस ऑनरेबल चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर आखून, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जिनाब आगा सईद मुश्तबा मुसवी, जिनाब डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री कान बाला साहब सुसे, प्रेस क्लब करगिल के सदर जिनाब हुसैन खालू और प्रेस क्लब के मेंबरान और मीडिया हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दामने वक्त में गुंजाइश की कमी के सबब मुख्तसर तौर पर नेशनल प्रेस डे के अनवान से कुछ अहम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और साथ ही इस मौके को गनीमत जानते हुए प्रेस क्लब करगिल और यहाँ के सहाफियों को दरपेश मसाइल से भी आगाह करूँगा। सबसे पहले आप तमाम हजरात के खिदमत में प्रेस डे के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रेस को जमहूरियत का चौथा सुतून माना जाता है। ये महज खबर नहीं बल्कि ये एक मुसलसल जिद्दोजहद और तहरीक का नाम है। ये मीडिया ही है जो आवामी मसाइल और मुश्किलात को सरकार या सरकारी अहदेदारान तक पहुंचाने में राबिता पुल का काम करती है, साथ ही साथ हुकूमत की पॉलिसियां और आवामी फलाही स्कीमें आम लोगों तक पहुंचाने में भी नुमाया किरदार अदा करता है। दुनिया के दानिश्वर ये समझते हैं कि मीडिया खासकर अखबारात में शायद खबरें एक मोतबर दस्तावेजात से कम नहीं है, वहीं मीडिया हर जमाने की अक्कासी करके आने वाले नस्लों तक हूबहू हालात से आगाह कराने का एक वाहिद और जितने भी सीनियर मीडिया पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको सबसे पहले सारे मीडिया पर्सन को नेशनल प्रेस डे पे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आपको सबको पता ही है ये क्यों मतलब कैसे शुरू हुआ, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था इस डे पे, तो उसको हम शायद 1956 में हुआ था, तो उसको 16 नवंबर को, तो उसी को याद करते हुए हर साल इसको मनाया जाता है। और जितना भी मैंने लद्दाख में अभी जितना भी काम करने का मुझे मौका मिला, तो प्रेस से हमेशा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ मिलता रहा है और काफ़ी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि बाकी जगह भी मैंने काम किया, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ का भी मतलब थोड़ा बहुत पता है। मीडिया पर्सन का वर्किंग स्टाइल हर एक का अपना अपना होता है, बट जो जर्नलिज्म की इथिक्स है अगर उसकी बात करेंगे तो ऑलवेज लद्दाख के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका हमेशा उस स्टैंडर्ड में काफ़ी ऊपर आपका परफॉर्मेंस और कैरेक्टर भी रहा है, तो इसके लिए मैं आप सबको मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूँगा ऑन द रिकॉर्ड कि लोगों के मसाइल को कम्पिटिटिव फोरम पे लाने के लिए कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहे, और क्रिटिसाइज अगर कुछ में करना वो भी कंस्ट्रक्टिव वे में किया जाता है। कई बार हम देखते कि कोई भी प्रोफेशन हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइवेट प्रोफेशन भी हो, हर तरफ के लोग होते हैं, तो कभी कभी निगेटिव चीज़ें भी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी प्रोफेशन उससे वो रहा नहीं, हर जगह रहते। बट हमें जैसे मैंने बोला कि जर्नलिज्म के जो इथिक्स है उसको हमेशा, और जो भी हम कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसके इथिक्स को हमेशा आगे रख के काम करना चाहिए। और वो अगर लद्दाख में यार स्पेशली कारगिल में भी जितने टाइम में यहाँ पे रहा हूँ तो वो देखा है कि काफ़ी वो इथिक्स को रख के ही पूरे सारे जर्नलिस्ट काम करते और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और काउंसिल के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और जब भी आपकी तरफ से कोई भी इशू आए तो हम उसको सीरियसली एटमोस्ट प्रायोरिटी में लेते हैं, क्योंकि आपकी हमें पता है कि इशू सारे पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू ही लाते हैं हमारे सामने, और इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट का कोई उस चीज़ होती नहीं, तो इसके लिए आप सबका मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा और आगे भी आशा करूँगा कि ये कोऑपरेशन आगे भी रहेगा। और जो भी इश्यूज है कभी भी आप जैसे पहले करते हैं ये काम आगे भी होना चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, और जो दो इश्यूज आपने बोले हैं उसमें भी काफ़ी आगे तक ये काम हुआ है, जैसे लैंड की बात थी तो उसका भी ऑनरेबल सीसी साहब को भी पता है, ये इशू काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और जल्दी हम उसमें सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे लेह में ऑलमोस्ट अभी बन गया आपका प्रेस क्लब का, तो कारगिल में भी जल्दी से जल्दी आपका प्रेस क्लब خير معين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا من معاصيك كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم। आज के इस प्रोग्राम में नेशनल प्रेस डे के मौके पर सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बल्ला साहब और बाकी यहाँ के
आप मीडिया हजरात के मेंबरान आप सबको सलाम अलैकुम जुले। मैं ज़्यादा आप लोगों का वक़्त न लेते हुए फ़कत आज के इस मौके के आज के इस दिन के मौके पर मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूँ कि आप लोगों का प्रेस क्लब वालों का कि जो हमारे इस्लामिक किताबों में भी सिफारिश हुआ है कुनु दुआतन लिन्नास बग़ैर अलसिनतिकुम, लोगों को अपनी ज़बान के बग़ैर अमली मैदान में उनको दावत दें। मैं आप लोगों को खुश नसीब समझता हूँ कि गरीब आवाम का दुख दर्द जो बहुत दूरदराज इलाक़ों में रहते हैं इनके दुख दर्द सुनने में बाला हुकाम तक और पहुँचाने में आपका असहद बहुत बड़ा रोल है। लिहाजा आप लोगों को इस प्रेस क्लब में जो आप लोगों ने शिरकत की है और आपका ये जो मनसब है आपका आप मीडिया हजरात का ये मामूली चीज़ नहीं है कि उस ज़माने में पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि ज़बान के अलावा और हमको लोगों की दुख दर्द को सुनाने में सुनवाने में और भी चीज़ हैं वो अमली मैदान में हैं। आप लोग हर गरीबों के दर दर पे जाके उनके दुख दर्द को समझते हैं और उनको आला हुक्म तक पहुंचाते हैं। इसमें आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत अजलाज दीनी लिहाज पर भी आपको सवाब होगा और दुनियावी आजकल के दौर में बहुत से मसलन दुनिया के कोने कोने में जो वाकयात हो रहे हैं जो वाकयात रूनुमा हो रहे हैं वो आला हुक्काम तक और बाकी जगहों तक पहुंचाने में आपका अच्छा रोल मीडिया हजरात का है। लिहाजा इस मौके पर आज के इस प्रेस डे के मौके पर मैं अपनी तह दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करूँगा। जनाब आसिफ मुस्तफा साहब ऑनरेबल इसी जनाब श्रीकांत बाला साहब सोसे जी हमारे डिप्टी कमिश्नर सीओ करगिल प्रेस क्लब करगिल के प्रेसिडेंट नोनो हुसैन खालू साहब जिया साहब बाकी यंत्री जितने भी हमारे चीफ एडिटर साहिबान हैं जितने भी प्रेस के मेंबर मेंबरान हैं यहाँ पे सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले नेशनल प्रेस डे के मौके पे मैं आप सब सब जो मीडिया के से वाबस्ता लोग हैं आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ में मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मुझे अभी कल परसों 18 तारीख को एक महीना होने जा रहा है मेरे सीसी के टेनवर का, तो मुझे इससे पहले आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। मैं आप अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ आपके रूबरू होने का मौका से मैं नहीं मिल पाया आपको। सिर्फ एक दो चीज़ मैं बताऊँ जो आपके आप लोगों ने जो आपके अपने मसाइल रखे हैं इंशाल्लाह हम सब मिलके डिस्कस भी है और मैं भी अपने कौंसिल की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ हम कोशिश करेंगे आप लोगों के जितने भी मसाइल हैं जो हमारे लेवल पे हल हो सकते हैं हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करें और जो हमारे लेवल पे नहीं है हम इनको आगे लिख के आपके जितने भी मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि प्रेस वालों को बहुत मुश्किल भी है और आप लोगों को कभी कभी लोगों का सुनना भी पड़ता है। जब हकीकत लिखते हैं जब आप सदाकत लिखते हैं तो कभी वो आपके लिए भारी पड़ता है मगर उसके बावजूद भी आप लोग उस पर सदाकत पर रहना ये बहुत बड़ी चीज़ होता है क्योंकि जैसे डी साहब ने बताया कि प्रेस हर जगह मतलब न्यूट्रल नहीं रहता है कहीं कहीं प्रेस से भी जो जैसे हम कहते हैं पेड ये न्यूज़ पेड प्रेस ये सब होता है तो अल्लाह के फजल से हमारे करगिल में ऐसा नहीं है
मुझे उम्मीद है आप अपना जो आप लोगों ने एक ये बनाया है अपना एक उतार और अपना एक स्टेटस बनाया है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसको बरकरार रखेंगे। जब हम छोटे थे करगिल में प्रेस था नहीं बिल्कुल भी, ना कोई पेपर था ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस वक्त था नहीं, तो सिंधगढ़ से जो पेपर आते थे वो भी कभी 15-20 महीने के बाद आते थे, तो उसी को पढ़ना बार बार पढ़ना फिर वो वही ऐसा होते थे। आज खुदा का शुक्र है कि हमारे करगिल में बहुत सारे अखबार जैसे वॉइस ऑफ लद्दाख हो, ग्रेटर वॉइस ऑफ लद्दाख, ग्रेटर लद्दाख हो, फिर हमारा ये करगिल टुडे हो या बाकी और भी मैंने देखा कि अर्थ लद्दाख या कुछ ऐसे बहुत सारे पेपर आपके निकले हैं, और हमारा उसके बाद हमें वो निकला था वेद और करगिल रायुल, तो रायुल को भी हफ्ते में एक बार निकलता था, हम सब ला के उसको पढ़ते थे। आज खुदा की फजल से आपके डेली पेपर्स भी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसमें मेरा सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप पॉजिटिव, हमारा चाहे हमसे गलती हो जाए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना आपको आपका हक भी है और लाजिम भी है, हमसे हो सकता है इंसान है गलती हो जाता है कभी हमारे उसमें हमारी तरफ से भी उसको उजागर करना, जहाँ हमसे गलती हो रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हो रहा है उस हकीकत को उजागर करना, ये आपके आपका आपके लिए लाजिम भी और करना भी चाहिए। मगर साथ में आपको ये भी देखना है जब आप कोई न्यूज़ लिखते हैं ना उसको थोड़ा सा वेरीफाई करके उसमें थोड़ा कि सदाकत क्या है, कभी ऐसा भी होता है जो बोलता है वो सदाकत सब सदाकत नहीं होता है, तो उसमें आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में था, यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ हमारा एडिटोरियम में, उसका उसमें लिखा था मैं भी शामिल हूँ, मेरा नाम भी दिया था, हालांकि मैं वहाँ था नहीं, करगिल में श्रीनगर में था। तो ऐसे कुछ होता है उसमें थोड़ा आप लोगों को देखने की ज़रूरत है, थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी आपके जैसे लैंड का इशू है या आपके वेलफेयर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेलफेयर होना चाहिए आप लोगों को, वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा मेरे लेवल पे जितना भी चिट्ठी लिखने की या मेरे तरफ से कहे भी अप्रोच करने की ज़रूरत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं अप्रोच करके वो कोशिश करूँगा वो आपका मसाइल मेरे, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँगा अगर मैं आपके लिए कुछ कुछ ना कुछ कर सकूँ मीडिया वालों से, क्योंकि आप हमारे डेमोक्रेसी के एक चौथा स्तून जिसको बोलते हैं चौथा स्तून है, अगर आप लोग हमें नहीं हिलाए जो पॉलिटिकल उस पर बैठे हों या किस क्या कहते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हिलाए, तो गलती उसमें फिर हम सबको ये नहीं रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। जब आप लोग थोड़ा सा हमें कहीं से पता चले, और ख़ासकर मेरा आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि कहीं करप्शन हो रहा है तो हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल करगिल में फ्री करप्शन वगैरह नहीं होते, मान मेरा ये मानना आप लोगों से दिल से मेरा गुजारिश है कहीं आपको लगे हमारे कुछ कहीं पे भी करप्शन या अननेसेसरी डिले हो रहा है काम में, या कहीं पे लोगों के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं या लोगों के लिए भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हमारा जो हमारे स्कीम्स है या हमारे जो काम करने का कराने का तरीका गलत है, हमें उम्मीद है कि आप लोग उसमें हमें बताएंगे कि कहाँ पे हमसे गलती हो रहा है और कहाँ पे रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाफर साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर, जनाब आगा साहब और मेरे अजीज साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमें पता है इस वक्त ढी साहब को भी कॉन्फ्रेंस है तो उसी साहब को भी है, उसके बावजूद भी हमारी इस छोटी सी दावत को आप लोगों ने कबूल किया। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, एक चीज में ओपनली कह दूंगा, जाफर साहब भी आप नोट करें तो दी साहब नोट करें, हमारे साथ हमेशा थोड़ा करगिल के साथ इग्नोरेंस होता है, ये बात कोई छुपी डिपी नहीं है। प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख करगिल जो है ले से पहले बनी थी, सबसे पहले जब प्रेस क्लब बनी तो मैं तनहा चला मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कावड़ा बनता गया, जनाब खालू हुसैन साहब, मुजीब रहमान, मुदस्सिर इंफॉर्मेशन,
नूरुल इस्लाम, फेरोज साहिल, मंजूर अहमद डीडी और मुजम्मिल, ये हमारे बेसिक मेंबर थे जब हमने प्रेस क्लब शुरू किया। हमारा स्टेशन ही नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। मैं यहाँ पर ये समझा कि हाजी इनायत अली ने हमारे साथ, जब वो चेयरमैन थे, बहुत अहम किरदार अदा किया। उनका शुक्रिया अदा न करें तो शायद ये नाइंसाफी होगी। उनकी वजह से हमारा प्रेस क्लब रजिस्ट्रेशन हुआ। हमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर हमारे 1.5 साल बाद ले में हो गया। लेकिन एक चीज ये हो गई कि बेनिफिट्स ले में हमने अप्लाई वही किया था, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे लोकल डिप्टी कमिश्नर थे, शायद क्या था वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बसरुल चौधरी साहब ने हमें काफी मेहनत किया हमारे मेंबरों ने, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ हमारे टैलेंट्स ने, हमारे जो बच्चे थे उनमें टैलेंट आ गए। जैसे मैं कहूंगा मोहम्मद इसाक छेड़ो आ गया, मोहम्मद हुसैन जो इन्फॉर्मेशन में है, सईद हाशिम आया, अली वजरी आया, नासिर रेदी आया, जिम दूरी और अनवर सरपाज। इनके आने के बाद क्लब में एक जोश पैदा हुआ। हमने जब कोशिश किया तो एक बिल्डिंग दी गई है, लेकिन मसला है वहां हीटिंग का मसला है। तो हमें वादा तो ये किया गया था कि भाई आपको वहां कंप्यूटर देंगे, सब कुछ देंगे। खैर ये सारी चीजें होती रही। खैर कुछ भी हुआ, चलो जैसे डीसी साहब ने कहा कि करगिल की मीडिया हमेशा हर चीज में मतलब मैं ये कहूंगा कि कवरेज में है। बेशक कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे डीसी साहब ने कहा कुछ होता है, कभी एडमिशन का भी होता है, लेकिन जो भी काम हमारा करगिल का हुआ है शायद नेशनल में पहली बार होगा। मैं ये कहूंगा कि हमारी पूरी लद्दाख में सिर्फ दूरदर्शन डीडी ले और दूरदर्शन था। उसके बाद सबसे पहले हमारे करगिल से रंगील निकला था न्यूज़पेपर, ईटीवी में निकला था, ले करगिल दोनों में। इसके बाद आज देखो आज कितने पेपर चल रहे हैं, कितने न्यूज, और आजकल हमारे जो भी बात है, खासकर हमारे जैसे में ये मेरे दाएं सहयोगी थे इसाक छेड़ो, नई लड़के आए हैं। खैर हमारी तो उम्र भी हो चुकी है, लेकिन जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और डीसी साहब को खुद पता है इन्होंने ले में होके आए हैं। तो इनकी अभी जो 2-4 बातें मैंने सुना, जबकि खास मुलाकात नहीं, लेकिन डीसी साहब में जो टैलेंट है, बच्चे ये अभी जवान है, तो जो उन्होंने जो वादा किया, तो जनाब आप डीसी साहब खुद आपने मुझे कहा था, याद है यार मैं रिटायर के बाद मैं ये मीडिया में आऊंगा, ये आपने खुद मुझे कहा था एक बार। आपको भी शौक है सर, कुछ भी हमारे इन सारे मुश्किल को जो है किसी भी तरीके से आगे कर दीजिएगा। खैर जैसे कच इम्तियाज साहब आ गया, हमारे एम्पलॉय का पता ही नहीं था, इरिगेशन का पता ही नहीं था। आप कुछ ना कम से कम कुछ जो है हमारे जो पेपर चलते हैं, एम्पलॉय है, रोजगार है, कम से कम हर एक पेपर के साथ मुझे लगता है 3 या 4 आदमी तो ये रोजगार में जुड़े हुए हैं। काफी कुछ कोशिश हो चुका है, लेकिन आप डेवलपमेंट के लिहाज से, जैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे साथ थोड़ा इग्नोरेंस है, इस पे आप जनाब जी डी साहब भी, जनाब डीसी साहब भी और सी साहब गुजारिश वो करें। तो लास्ट पे बट नॉट लीस्ट, एक बार जनाब आखंड साहब का, जनाब डीसी साहब का, जनाब आगा साहब और कच इम्तियाज का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस छोटी सी पुराने आके हमें मुबारकबादी दी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा, लेकिन जितना सुना और जितना सीसी से हाईलाइट कर रहे थे, उससे समझ में आया कि आपने पहले ही काफी पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। और बेशक हम भी पहले ही आपसे हमेशा इंटरेक्शन करते रहते हैं, उनमें भी आप हाईलाइट करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ये इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन चीज़ों पर गौर करने की जरूरत है। बेशक ये हमारे प्रायोरिटी पे होंगे हमेशा। जैसे भी मैं जब बात कर रहा था, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन तब सीसी साहब से रिक्वेस्ट करना भूल गया, लेकिन उनकी नज़र में आ गई थी कि आप के प्रेस क्लब के लिए जमीन की जरूरत है, बिल्डिंग बनाने की जरूरत है, आपके ऑफिस सेटअप हों अलग से और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बने। ये हम अपने लेवल पे फिर दोबारा टेकअप कर लेंगे। बेशक इस पे थोड़ी जोर है, कुछ अलॉटमेंट शायद हुई है, उस सेंस आप खुद फॉलो करते रहते हैं बहुत ही सीरियसली। लेकिन और जो जो बर्निंग इशूज हैं उन पर भी, वो भी हमारे नज़र में है, प्रायोरिटी पे मैं तो हमेशा सीना तान के आगे बढ़ता रहूँगा और ये इशूज़ अथॉरिटीज के सामने लाता रहूँगा। जैसे हम जर्नलिस्ट वेलफेयर की बात कर रहे थे, शायद हम कोशिश ये कर सकते हैं कि एक यूनिक सा एक वेलफेयर स्कीम बने आप सबकी फलाह बदबू बहबूदी के लिए, और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तो हम PIB से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई आप लोगों के कोई केस हो मेडिकल इंश्योरेंस का, कोई केस हो इंडिविजुअल, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम रेफर करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। और बाकी तो ओके, आप सबों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा मीडिया जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या बाकी हो, तो ये हमारे जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत का इसको चौथा स्तून भी मानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे करगिल में आज हमारे सहाफ़त फूले फले हैं, और सहाफ़त के आप जैसे बहुत अच्छे यहाँ पे सहाफ़त से वाबस्ता लोग आए हैं, जो न्यूट्रल मतलब किसी उसके बग़ैर
न्यूज़ या प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप लोग अच्छे लोगों के मसाइल उजागर करके आप लोग लोगों के सामने ला रहे हैं। और साथ में आप लोग, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने एज ए प्रोफेशन इस प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन लिया है सहाफ़त को। तो हम चाहेंगे करगिल के जितने मसाइल हो, लोगों के मसाइल हो, जितने भी इश्यूज़ हो, वो आप लोग ठीक तरीके से रेज़ करें, उसको इशू को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना सहाफ़त का काम है, उसमें किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, मतलब शिकायत नहीं होना चाहिए। और मेरा एक अपील ये भी है, जब आप लोग कोई न्यूज़ चाहे प्रिंट में देते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में देते हो, थोड़ा सा वेरीफाई करके कि वो न्यूज़ सही है कि नहीं, ताकि आपके जो सहाफ़त का जो वक़ार है उसको आप बरकरार रह सके।